एवरीवन, और मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में हार्ड कोर मोड। तो ये हार्ड कोर मोड आपको माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में इन गेम मिल जाएगा, लेकिन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ऐसा कोई मोड नहीं है, ऐसा कोई इन गेम फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका हमें मोड डाउनलोड करना पड़ता है। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में हार्ड कोर मोड। तो आइए मैं अपनी स्क्रीन पे चल के आपको दिखा देता हूँ और आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डायरेक्ट मीडिया फाइल के लिंक के। तो मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पे और मैंने अपना जेड आर्काइवर खोल लिया है। तो आप मेरे डाउनलोड फोल्डर में, तो मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में आ चुका हूँ और आप मेरे डाउनलोड फोल्डर में देख सकते हैं हार्ड कोर मोड आपको फाइल दिख जाएगी। 400-500 KB की फाइल है, काफ़ी छोटी फाइल है। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैंने फाइल एक्सट्रैक्ट कर ली, आपने देखा, और यहाँ पे हमें दो और फाइलें मिल गई हैं। तो हार्डकोर मोड बीपी माने बिहेवियर पैक और आरपी माने रिसोर्स पैक। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कट करना है, बिहेवियर और रिसोर्स पैक वाली फाइल को। और बिहेवियर पैक वाली फाइल में बिहेवियर में पेस्ट कर दे रहा हूँ, रिसोर्स पैक वाली फाइल मैंने पेस्ट कर दिया रिसोर्स पैक में। तो मैं आप बिहेवियर पैक में और जाके पेस्ट कर देता हूँ। हमारी फाइल पेस्ट हो चुकी है दोनों। तो अब हमें डायरेक्ट अपना माइनक्राफ्ट ओपन करना है, इन फाइलों को सिलेक्ट करना है और फिर मैं आपको आपका गेम आपको गेम प्ले दिखा देता हूँ। चलिए मेरी माइनक्राफ्ट स्क्रीन पे और मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने माइनक्राफ्ट में और मैं प्ले के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। और अब मैं एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ और ये वर्ल्ड सर्वाइवल पर ही रहेगा क्योंकि क्रिएटिव में यूज़ कर नहीं सकता हार्ड कोर में। मैं रिसोर्स पैक में अपना वर्ल्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप एक्टिव में देख सकते हैं। और बिहेवियर पैक में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है वो। मैं डायरेक्ट अपना वर्ल्ड अप क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारी लोडिंग हो रही है और इस वर्ल्ड में आपको क्रिएटिव में जाना अलाउड ही नहीं, मतलब आप कोशिश भी करेंगे तो भी कोई कुछ नहीं होगा, आप नॉर्मल पर ही रहेंगे। मैं आ चुका हूँ अपने वर्ल्ड में और आप मेरे हार्ट के आइकन पर देख सकते हैं एक नया तरह का आपको एक टेक्स्चर दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये है हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड चालू हो चुका, मतलब हमारा हार्ड कोर मोड काम कर रहा है, हमारा हार्ड कोर मोड चालू हो चुका है। तो चलिए हम अब मैं आपको कहीं मर के ही दिखा देता हूँ, एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ। और इस सब में क्या होता है हार्ड कोर मोड, अगर आपको पता नहीं है तो इसमें आपको सिर्फ एक लाइफ मिलेगी पूरे गेम में, और आपको पूरे एक लाइफ में पूरा माइनक्राफ्ट कंप्लीट कर लेना है। जो लोग काफ़ी कोई नया थ्रिल चाहते हैं, जो लोग माइनक्राफ्ट से बोर हो चुके हैं, तो इनके लिए काफ़ी एक नई चीज़ है कि एक लाइफ में आपको सारी चीज़ें करनी है। एक लाइफ में ही अब आपको एंडर ड्रैगन को मारना है, वेदर को मारना है, और आप पूरा माइनक्राफ्ट सिर्फ एक लाइफ में ख़त्म करना है। और आप कोई और मोड यूज़ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ अपने हाथों का यूज़ करके, मतलब क्रिएटिव में भी नहीं जा सकते, तो सिर्फ नॉर्मल तरीके से खेल के एक लाइफ में पूरा माइनक्राफ्ट ख़त्म करना है और एक नए तरह का थ्रिल होता है। मैं आपको एक बार मर के दिखा देता हूँ, जो लोग ट्राई करना चाहते हैं, मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि रिस्पॉन हो जाएंगे, इसमें रिस्पॉन होने का ऑप्शन ही नहीं आता। अगर आप मरे तो आपका गेम ख़त्म, जैसे कि अब मैं मर गया। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गेम ओवर, यू कैन नॉट रिस्पॉन इन हार्ड कोर मोड लिखा आ चुका है। स्पेक्टेड वर्ल्ड का ऑप्शन आ रहा है, मेन मेन्यू का आ रहा है। स्पेक्टेड वर्ल्ड में हमें सिर्फ देखने को मिलेगा, हम कोई चीज़ छू नहीं सकते, या तो फिर हम डायरेक्ट मेन मेन्यू पर आ जाए। अगर हम मेन मेन्यू पर आ जाते हैं तो हमारे वर्ल्ड अब कोई नहीं चलेगा, बाकी अब हमारा गेम ख़त्म, सिर्फ हमें एक ही लाइफ मिलेगी। काफ़ी एक अच्छा इंटरेस्टिंग तरीका होता है, काफ़ी थ्रिल, काफ़ी एक नया मज़ा आता है। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो फाइल के लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही माइनक्राफ्ट के मोड्स और नए वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो देखते रहें मेरा चैनल। मैं आऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।